हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, या तो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ओके, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो इन सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे फाइंड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी बोला जा सकता है, इसको सोल्व करने को बोला जा सकता है, राइट। फिर इसको फाइंड जे ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इवन एंड आरओसी, लाइक दैट सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो देखिए, स्टूडेंट का जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो देखिए अगर 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मिल गए तो आप लोगों ने 10 क्वेश्चन बना लिया। लास्ट में अगर एक क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया, लाइक दैट अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप लोग थोड़ा देर के लिए वहाँ पॉज हो जाते हैं कि क्या करें, थोड़ा सा बनाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, मैंने 10 क्वेश्चन बनाया है ऊपर से। तो ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा देर के लिए अटेम्प्ट करते हैं, फिर माइंड में एक सेट होता है कि उसको भी ट्राई करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं, टेस्ट सीरीज में हो या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो ऊपर का 10 क्वेश्चन बनाए और ये क्वेश्चन आया तो उसको गोला लगा के निकल गए, राइट। यही होता है, जनरली यही होता है, आपने क्वेश्चन आया, आप रियलिटी में बताता हूँ, ठीक है, 20 क्वेश्चन बनाए, 20 क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, जो गोला लगाए हैं उसको ठीक करने से होगा, राइट। तो ऐसा ही होता है। अब एग्जाम में सेम गए, एग्जाम में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं 10, क्योंकि गेट एग्जाम में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, बहुत सारे इजी भी आते हैं, तो आपको सारे इजी क्वेश्चन आ गए और फिर यहाँ पे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो आप गोला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है, तो फिर आप सोचने लगते हैं कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। थोड़ा देर बनाते हैं, फिर काटते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आंसर नहीं आता, वहाँ पर एक टाइम गैप हो जाता है। इसी के कारण आप लोग फेलियर हो जाते हैं, आप लोग को लगता है कि अब गेट नहीं हो पाएगा, या फिर जो भी चीज़ आपके थॉट्स मन में, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जो कि इस सारे क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों से इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को ईजी लगने लगेंगे और सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे, ओके। नाउ उसके पहले दो 2021 में जो चेंजेस किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ये सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए EMFT को ऐड किया गया है, ओके, नाउ ठीक है, मशीन को ऐड किया गया है, ओके, नाउ फिर 8085 पहले से था, एनालॉग पहले से था, डिजिटल पहले से था, सेंसर ट्रांजिस्टर पहले से था, प्रोसेस कंट्रोल पहले से ही था। नाउ अब स्टूडेंट का डाउट्स क्या है कि सर ये क्या, ये अभी के टाइम जो मिला है टाइम, उसमें EMFT और मशीन को क्या क्लियर कर पाएंगे, फर्स्ट डाउट, ओके, डाउट। सेकंड डाउट है कि सर इलेक्ट्रिकल वाले हमारे में आके हमसे गेट स्कोर ज़्यादा कर लेंगे, ये ऑल दिस डाउट है, तो सारे को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, EMFT और मशीन में ही आपको करें, आप लोगों ने कभी सोचा, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले को मैं बता रहा हूँ, मैं ये मेरा परसेप्शन है, आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट में भी दीजिए या फिर नहीं दीजिए, उससे मतलब नहीं है, मेरा परसेप्शन मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं वो उन लोगों को सेंसर ट्रांजिस्टर पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोगों से ये EMT हो पाएगा या मशीन हो पाएगा, आप लोग से 100% होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग गेट और IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, गेट और IAS एक समुद्र की तरह है, ठीक है, आप लोग अगर जंप कर गए हैं तो आप ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग बस ये सोचिए कि कैसे निकलना है, तैरना सीखना है, उसमें तैरते जाइए, जो आते जाएगा एक्सेप्ट करते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ लाना नहीं लाना ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट थिंग, जो आपके कंट्रोल में है, सीखना आपके कंट्रोल में है, लर्निंग आपके कंट्रोल में है, उसको कीजिए और उसको बेस्ट कीजिए, और ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ खराबी नहीं होगा। ये चीज़ अगर पढ़ लेते हैं, EMTL आप कंप्लीट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, आप ESC में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ESC में भी आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। सेकेंड थिंग, UPRVNL, ISRO, ये सब में जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कॉम्पिटिशन नहीं दे पाते थे, यहाँ पर आज के डेट में रेडी है कॉम्पिटिशन देने के लिए, राइट। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से मैटर नहीं है, आप लोग अपने एनर्जी को याद कीजिए कि आप लोगों के पास क्या एनर्जी है, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्पेशली। जैसे कि मैं एक कहानी बता देता हूँ, अभी तो लॉकडाउन शुरू था, जिसमें सब कोई रामायण देखा ही होगा, एक जामवन जी के जब सैनिक थे, उसमें बहुत सारे सुग्रीव जी थे, हनुमान जी भी थे, सब कोई था, लेकिन जब लंका, ये जब सात समुंदर का जानते हैं, 100 योजन था, योजन लांग के जाना था लंका, और फिर वहाँ पता लगाना था, तो 100 योजन पार करना था, तो सब कोई सोच रहा था कि कौन पार करेगा, जामवन जी भी सोच रहे थे कि अरे मैं तो बचपन में ये किया, मैं पार तो कर जाऊँगा लेकिन वापस कैसे आऊँगा, ये लोग सोच रहे थे, ठीक है, बाकी सब कोई
सुग्रीव जी भी सोच रहे थे कि मैं भी पार कर जाऊंगा, मैं थोड़ा हवा के स्पीड से भी जाता हूँ। सब कोई अपना अपना थॉट सोच रहे हैं। इवन हनुमान जी भी सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा इतना, 700 योजन, मतलब समझ रहे हैं, 128 किलोमीटर, 128.3 किलोमीटर, ओके, लाइक दैट 128 अप्रॉक्स ऐसा रहता है। तो वो भी सोच रहे थे कि मैं तो कौन जाएगा इतना दूर, मैं पार कैसे करूंगा, लाइक दैट इंस्ट्रूमेंटेंस की ये मैं कैसे पढ़ूंगा, ये कैसे करूंगा। लेकिन जब उसको याद दिलाया गया, उसको उसके बारे में सब कोई फिर देखा हिस्ट्री, सब कोई अपना अपना बचपन देखा, सब कुछ देखा, तो पता चला कि नहीं, हनुमान जी तो बचपन में ही सूर्य को ले खा गए थे, ठीक है, फिर भगवान ने आग्रह किया था तो फिर वापस किए थे। तो उनकी इनर्जी को उनको याद दिलाया गया हनुमान जी को कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब उनको याद दिलाया गया तो वो एक छलांग में वो 7 समुद्र को पार किए थे। ओके, सो आप लोग अपने इनर्जी, हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं, ठीक है, तो हम लोगों को भी अपनी इनर्जी को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। हम लोग जब आँख खोलते हैं तो ये सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, माया के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन जब आप आँख बंद करके सोचिएगा तो आपको अपनी इनर्जी का एहसास होगा, ठीक है, और वही आपको सक्सेस दिलाएगा, राइट। नाउ ये क्वेश्चन में क्या है, जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंक TdT, ओके, ये क्या होगा, सबको जानता है 1 होगा, ओके, लेकिन इसमें 40 दे दिया, सिंक स्क्वायर दे दिया, लेकिन कैसे आता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बनाने वाला हूँ। तो देखिए, एक चीज़ हम लोगों का फेमस प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, 1 डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में ऑरिजिन होता है, बस यही ध्यान रखिए। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि टफ बनाया जाता है जिसको, वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो उसके पहले मैं सिंक को कैसे लिखता हूँ वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा रेक्ट, ये हमारा टाइम डोमेन में है, तो देखिए मैं टाइम डोमेन में सोल्व नहीं करूंगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाऊंगा। इस डोमेन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या है, एरिया दे रखा है, ओके, इसी तरह मैंने दे लिया है 0 टू इन्फिनिटी सिंक 40। ये सारे चीज़ों को मैं सोल्व करूंगा, आप लोग मत कीजिए, मैं जो सोल्व करता हूँ, मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ उसी से चलिए, ओके, फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा। ये टाइम टी है, ओके, माइनस T/2 to T/2 एंड दिस इज ए, राइट। नाउ अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, वो टाइम डोमेन में है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग लिखते हैं एरिया, फर्स्ट एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, 80 80, और साई ऑफ ये जो पार्ट है ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी है ओमेगा के साथ, ओमेगा T/2, एग्री। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोगों का ऐसा रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, ओके, लेट अस सपोज ये माइनस टी है, ये टी है, ओके, एंड ये मैग्नीट्यूड 1 है, ओके, तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें सिंक स्क्वायर आ जाता है, यहाँ भी एरिया, एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 आधार 2, इसका मतलब टी, एम्पलीट्यूड ले लीजिए ए, तो ए टी, ओके, साई स्क्वायर, यहाँ पे साई का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ जो टी है ना, इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे थे, यहाँ पे जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो है उसका हाफ वहाँ पे लिखेंगे, तो ओमेगा T/2, ओके, समझ गए कैसे लिखना है। नाउ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, साई साई ऑफ टी इज कल टू साइन, साई ऑफ टी इज कल टू साई T/T, साई ऑफ 80 लिखिए या जो भी लिखिए, मैं ए का वैल्यू 1 ले लिया हूँ। सिमिलरली अगर मैं सिंक सिंक ऑफ टी लिखता हूँ, सिंक ऑफ टी क्या होता है, साइन πT/πT, यहाँ सिंक लिखेंगे तो पाई आएगा, ये सियोर है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बेसिक पता होगा। नाउ अब देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, कैसे सोल्व करता हूँ, देखिए मैं इस चीज़ को सोल्व कर देता हूँ, ये चीज़ आप लोग सोल्व कीजिएगा, ये ईजी है, ओके, इस चीज़ को मैं सोल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, एरिया कब होता है, एरिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये हमारा 0 टू इन्फिनिटी है, ओके, तो मैं आंसर को हाफ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ओके, सो देखिए मैं 1 डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में टाइम टी इजकल टू 0.0, उसी को बेस बना के इसको सॉल्व करता हूँ। सिंक 40 दिया हुआ है, तो उससे कैसे लिखेंगे, मैं इसको मैं लिख देता हूँ पहले 0 टू इन्फिनिटी, एग्री। नाउ सिंक को क्या लिखेंगे, साइन, अभी मैं बताया पाई आ जाता है, साइन πT/πT, साइन यही होगा सिंक। नाउ dT, अब देखिए ये तो हमारा 1 डोमेन में हुआ, ओके, अनदर डोमेन, ये देखिए इसको, ये हमारा किस डोमेन में हुआ, टाइम डोमेन में, अनदर डोमेन में ओमेगा डोमेन में हम लिखेंगे, ओके, तो ओमेगा डोमेन में कैसे लिखते हैं उस चीज़ को मैं बता देता हूँ, साइन αT/πT, ये हुआ, ये आपका टाइम डोमेन में है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर लेटर सपोज ए है तो ये हमारा ए आ जाएगा, माइनस ए टू ए,
ये चीज आपको क्लियर याद रखना पड़ेगा, राइट। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। साइन ए जितना फास्ट याद रखते हैं उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस चीजों को हमेशा याद करते रहिए, रिविजन करते रहिए। साइन ए टी बाई पाई टी, अभी मैंने ये क्या हो जाएगा टाइम डोमेन में, अभी ओमेगा डोमेन में। ओके, इसको ओमेगा डोमेन में क्या लिख सकते हैं, ए रेक्ट ओमेगा बाई टू ए, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर ये चीज क्लियर नहीं है कैसे लिखते हैं तो उसको बोल दीजिएगा, उसमें मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोग याद कर लीजिए कि कैसे मैं लिखा ओमेगा को, टाइम डोमेन से ओमेगा कैसे गया, ओमेगा से कैसे इसमें आया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया, इस तरह से मैं इसको टाइम टी इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको टाइम डोमेन में बताइए। साइन ए टी, ए टी कहाँ से है, फोर पाई, फोर पाई को हो रहा है, तो माइनस फोर पाई से फोर पाई, साइन ए टी बाई पाई टी, पाई टी हो गया तो वन बाई फोर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वन बाई फोर हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ अब देखिए मैं क्या बोला था, वन डोमेन में इंटीग्रेशन, वन डोमेन में एरिया, एरिया अनदर डोमेन में ओमेगा इजकल टू जीरो पे देखना है, तो ओमेगा इजकल टू जीरो पे क्या है, वन बाई फोर, दिस इजकल टू वन बाई फोर, दिस इजकल टू वन बाई फोर। अभी आंसर नहीं हुआ, लोग बहुत सारे 1 बाई फोर लगा के आ जाएंगे, कब 1 बाई फोर होगा, जब ये हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा हूँ। नाउ ये क्वेश्चन जब क्या होगा, जल्दीबाजी में लोग बनाते बनाते लगता है कि मेरा आंसर आ गया और उसी खुशी में आंसर पुट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, राइट। तो इन चीज़ों को मैं फेस किया हूँ डिफिकल्टी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, जीरो से था तो हाफ हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिए, दिस इज वन बाई एट, एग्री, ये हमारा वन बाई एट इसका आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सिंक स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाया, इसका आंसर वन आएगा, ओके। अगर वही मैं जीरो टू इन्फिनिटी दे दूंगा तो वन बाई टू आ जाएगा, ओके। नाउ इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाया मैंने, वन डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में टाइम इजकल टू जीरो पे। नाउ अब ये क्वेश्चन है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सिंक स्क्वायर टी डी टी, ये क्या होगा, हाउ मच, ठीक है, ये भी वन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनर्जी का प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेट अस सपोज मैं इसको ये सोल्व करता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मैं ये भी बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी चेक करते रहिएगा, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो देखिए मुझे पता है, हम लोगों को पता है इनर्जी एक्स ऑफ टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का होल स्क्वायर डी टी, ये हमारा इनर्जी होता है, यही इनर्जी होता है ना, इनर्जी एंड पावर का डेफिनेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, वो चीज़ देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, डेट इज इनर्जी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक्स टी इजकल टू सिंक टी लिख दे, एक्स टी इजकल टू सिंक टी लिख दे तो इनर्जी हो जाएगा, एग्री, इनर्जी हो जाएगा। नाउ तो हम लोग सिंगटी का पता है, सिंगटी का पता है, सिंगटी, सिंगटी हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंगटी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सिंगटी को कैसे लिख सकते हैं, एस आई एन सी साइन पाई टी बाई पाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन टी, साइन टी ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई टू पाई एंड साइन एटी बाई पाई टी, ये ठीक है। अब देखिए ये हमारा इनर्जी बता रहा है, इसका वन डोमेन में ये हुआ, अनदर डोमेन में मैंने ओमेगा में मैं क्या लिख दिया, इसका इनर्जी ओमेगा में। अब देखिए अब इजकल टू इसका एरिया हमको चाहिए। नाउ अब हम लोगों को पता है दिस इजकल टू, अगर ये टाइम डोमेन में एरिया ले रहे हैं तो बाहर में अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो 1 बाई टू पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, ये हम लोगों को पता है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, यही होता है। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, सोल्व कीजिए इसको, 1 बाई टू पाई, ओके, एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई, ओके, माइनस पाई टू पाई, वन, मैग्नीट्यूड वन है, वन का स्क्वायर, ये स्क्वायर बोल रहा है ना, होल स्क्वायर, ओके, तो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर डी ओमेगा। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, वन बाई टू पाई इंटू वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, एग्री। नाउ पाई अपर लिमिट पाई माइनस पाई,
टू पाई यहाँ से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू वन। सो देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पे वन डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एनर्जी का प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है ना। एनर्जी को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स ऑफ टी को मैंने ये लिखा। अब इसको एनर्जी का एक प्रॉपर्टी होता है ना, सिमिलरली 1/2π से, क्यों 2π से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ओमेगा लिख रहा हूँ, यही पे मैं एफ लिखूंगा डी एफ, तो यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एग्री। सो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों को कभी कभी पूछे जाते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, बहुत लोगों को लिखने में डाउट होता है, ओके कैसे लिखे सर, तो उस चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ये वन है, दिस इज थ्री, एग्री। नाउ ओके, नाउ थ्री फोर टू एंड वन। नाउ ये टाइम डोमेन में है। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले को हमेशा सिग्नल एंड एनालॉग क्वेश्चन, मैं एनालॉग का अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ और बहुत सारा वीडियो भी है, मैं देखा हूँ जितना टफ एनालॉग आता है इंस्ट्रूमेंटेशन और सिग्नल को, उतना टफ कोई भी हिस्ट्री में इलेक्ट्रिक और एसी को नहीं आया। सो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन का ही मैक्सिमम लिया हूँ, जो कि टफ क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कैसे सोल्व करूँगा, इसको लिखना है, इसको कैसे लिखूँगा, देखिए एक चीज मैं जब भी लिखूंगा एक चीज़ यूज करूंगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, यही यूज करेंगे। और जहाँ पे स्टेप चेंज होगा, दिस इज स्टेप, इसको मैं स्टेप बोलूंगा, जहाँ पे स्टेप चेंज होगा वहाँ पे यूनिट स्टेप लिखूंगा, जहाँ पे हमारा रैम फंक्शन आएगा वहाँ पे मैं रैम फंक्शन लूंगा, रैम फंक्शन दैट मीन्स दिस वन, एग्री। नाउ देखिए इसमें क्या होगा, लिखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप चेंज हो रहा है, फाइनल कितना का स्टेप है वन का, इनिशियल कितना है जीरो, जीरो से स्टेप चेंज हो रहा है वन का, तो फाइनल माइनस इनिशियल वन माइनस जीरो यू ऑफ टी। और दूसरी बात बता दूं कि जब भी हम लोगों का रैंप आएगा तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेट क्या होता है मैं बताऊंगा, और यूनिट स्टेप आए तो उसको नहीं करना पड़ेगा। नाउ यू ऑफ टी, अब नाउ देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, रैंप हो रहा है, रैंप आ रहा है, तो रैंप फंक्शन को कैसे करेंगे, आर ऑफ टी लेंगे, लेकिन इसका स्लोप कितना है हम लोग ऐसे देखेंगे, प्लस फाइनल, फाइनल स्लोप कितना जा रहा है, फाइनल स्लोप मेरा ये यहाँ से देखिए, थ्री माइनस वन कितना हुआ, टू डिवाइड बाई टू वन स्लोप हुआ प्लस वन का, ऐसे जा रहा है तो वन स्लोप, तो फाइनल स्लोप वन हो रहा है, इनिशियल स्लोप क्या था यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ स्लोप ही नहीं था, जीरो था, ओके। सो फाइनल वन माइनस जीरो आर ऑफ टी, ओके। अब देखिए ये मतलब ये ऐसे चलता चला गया। नाउ अब हम लोगों को ये तो नहीं चाहिए ना, ये आर ऑफ टी है, यहाँ पे हमको स्टेप चाहिए, तो स्टेप कब मिलेगा, जब कंपनसेट करेंगे, रैंप को हटाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए रैंप यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फाइनल स्लोप कितना हो रहा है जीरो, यहाँ पे जीरो ही है ना, इनिशियल स्लोप कितना था वन, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब जीरो प्लस जीरो माइनस वन आर ऑफ, दो के बाद रैंप नहीं चाहिए, तो आर ऑफ टी माइनस टू। अब ये डॉट डॉट चला गया, एग्री। अब ये कंपनसेट हो गया, ये हमारा नहीं मिट गया, अब हमको क्या है, यूनिट स्टेप लिखना है, जहाँ भी ये स्टेप आएगा ना वहाँ पे हम लोग यूनिट स्टेप लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है यूनिट स्टेप का, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो रहा है वन, माइनस इनिशियल कितना हो रहा है थ्री, फाइनल माइनस इनिशियल यू ऑफ, कहाँ पे यूनिट स्टेप है टू पे है, टी माइनस टू, एग्री। नाउ अब देखिए यूनिट स्टेप यहाँ से हम लोगों का जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोगों को रैंप आ रहा है, ठीक है, तो रैंप का लिखिए प्लस, रैंप हमारा का फाइनल स्लोप कितना है, डिफरेंस कितना है 4 माइनस 3, वाई, वाई का डिफरेंस 1/1, वन का स्लोप है माइनस वन, नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस वन, अब यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन बाय डिवाइड बाई एक्स टू माइनस वन ऐसा कीजिएगा तो गया, बहुत टाइम वेस्टिंग है, डायरेक्ट वाई माइनस वाई वन, वाई यहाँ से देख लीजिए कितना है, वाई में डिफरेंस है, एक्स में डिफरेंस है, और नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस लगाइए, ऊपर की ओर ग्राफ है तो प्लस लगाइए, तो फाइनल स्लोप माइनस वन, इनिशियल स्लोप जीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस वन माइनस जीरो आर ऑफ टी माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ पे तो कभी हमारा यूनिट स्टेप नहीं है, ये डायरेक्ट फंक्शन ऐसा गया है, तो ये तो हमको नहीं चाहिए ना, ओके, हमको चाहिए कि यहाँ पे ये बंद हो जाए, ओके। तो फाइनली मेरा स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इनिशियल कितना है, ये माइनस वन है, तो लिख लीजिए फाइनल माइनस वन माइनस जीरो आर ऑफ टी माइनस फोर, फोर पे हमारा नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए आ जाएगा। तो बेसिक जो कैसे लिखते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। नाउ फाइनल माइनस इनिशियल आपको बोर्ड प्लॉट में भी बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे, ओके,
वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया ओके। नाउ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, फाइंड एनर्जी एंड सॉल्व, दो चीज़ इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 12 सिंक 40 कॉस 2 पाई टी डी टी आई इज इक्वल टू, एग्री? इस चीज को सॉल्व करना है। फिर मैं वही देखूंगा, जब भी एक माइंड सेट कर लीजिए, जब भी आपका इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या 0 टू इन्फिनिटी आए, हम लोग एक ही चीज करेंगे, या तो मैथ में क्वेश्चन पूछा गया हो या सिग्नल सिस्टम में पूछा होगा, इट डजेंट मैटर कि कौन सब्जेक्ट से, हमको बस एक ही चीज करना होगा, वन डोमेन एरिया इजकल टू अनदर डोमेन टी इजकल टू 0। बस आप ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर कल आप, हम मैं बोल रहा हूँ मैथ्स पढ़िए, मैथ्स में सारा वेक्टर और सारा ईएमटी भी पढ़ा दिया, और कल को मैं बोला कि इस आप ईएमटी पढ़िए, तो आप बोले कि नहीं ईएमटी दूसरे का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, ऐसा क्या, मैं तो सारा कुछ पढ़ा ही दिया। इसलिए जब भी मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको लिमिट दिख गया इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, वन इज ओनली वन वे, दैट इज वन डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में टी इक्वल टू 0। नाउ अब कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरी चीज, फर्स्ट चीज ये याद रखनी है, दूसरी चीज कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी आ गया, साइन ओमेगा टी आ गया, हमको इसको चेंज कर देना है किसमें, एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल। सेकेंड चीज, थर्ड थिंग, कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में। बस इतना चीज ध्यान रखिए, और यही चीज आप लोगों को टफ बनाता है, यही पे कॉस टी आ गया, इसीलिए आपको टफ हो रहा है ना। मैं सिर्फ यही देता था, 12 सिंक 40 दे देते तो क्या हो जाता, आप लोग बना लेते, अभी मैंने बनाया, टफ क्या चीज बनाता है, यही सब ना ऑपरेटर सभी टफ बनाते हैं, उन ऑपरेटर को अच्छे से देखिए। नाउ मैं बता दिया चारों चीज ध्यान में रखना है, नाउ इसको ध्यान में रखते हुए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 से इन्फिनिटी भी रहता तो हम लोग इसे यही सोल्व करते हैं, और एरिया जो आता है उसको हाफ कर देते हैं। नाउ इसको मैं लिख देता हूँ, 12 साइन 4 पाई टी बाई 4 पाई टी इंटू, कॉस को मैं ब्रेक कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल में, ई टू द पावर 2 पाई टी जे प्लस ई टू द पावर माइनस 2 पाई जे, कॉस है ना, कॉस में क्या होगा, इवन फंक्शन है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई जे टी बाई 2, ये होगा, एग्री? नाउ इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ओके, 4 3 12 3 लिख दिया, तो ये हमारा आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 3 साइन 4 पाई टी डिवाइड बाई पाई टी, एग्री? नाउ अब देखिए, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वन डोमेन में, अगर मैं किसी भी टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन कहीं भी शिफ्ट करता हूँ, कोई भी फूरियर FFT हो, DFT हो, या फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, फूरियर सीरीज भी हो, कहीं भी यूनिवर्सल है, वन डोमेन में अगर शिफ्ट करते हैं अनदर डोमेन में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, या फिर वन डोमेन में अगर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई है तो अनदर डोमेन में शिफ्टिंग होगा, एग्री? नाउ अब देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या बोला, अगर कहीं भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई है तो दूसरे डोमेन में शिफ्टिंग होता है। नाउ इसको मैं XT लिख सकता हूँ, X ऑफ टी, एग्री? नाउ अब कितना का शिफ्टिंग होगा, X ऑफ टी अपोजिट से शिफ्टिंग होता है, ओके, X ऑफ, वैसे भी ये इवन सिग्नल है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कहीं से भी शिफ्ट कर दीजिए, ई टू द पावर 2 पाई टाइम डोमेन में 2 पाई प्लस एक्स टी प्लस 2 पाई, ये इवन सिग्नल है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बाहर में डिवाइड बाई 2 है, ओके, इसको मैं लिख दिया टोटल बराबर, ओके। नाउ अब दूसरे, इसका ग्राफ बनाइए और उसको मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ से ग्राफ बनाइए, 3/2 को भी बाहर ले लिया, 3/2, ओके, इसका ये बनाइए, ओमेगा डोमेन में लिखिए, ओमेगा डोमेन में साइन 80 बाई पाई टी, ओमेगा डोमेन में मैं लिख रहा हूँ साइन 80 बाई पाई टी, ये माइनस 4 पाई से 4 पाई, माइनस 4 पाई टू 4 पाई, एग्री? माइनस 4 पाई टू 4 पाई। नाउ मैग्नीट्यूड कितना है, 3/2, एग्री? नाउ अब ये सिग्नल को क्या करेंगे, दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो जाएगा ना, एक्स ओमेगा हो जाएगा, एक्स ओमेगा डोमेन में, ओके, वन डोमेन में मल्टीप्लाई, देखिए ये टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ओमेगा डोमेन में लिखेंगे तो शिफ्टिंग हो जाएगा। अब इसको दो बार शिफ्ट कर दीजिए, एक और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, एक बार शिफ्ट कीजिए,
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। नाउ इसको दो बार शिफ्ट कीजिए, एक बार 2π ऐड कीजिए, इसमें 2π ऐड करेंगे तो 2π से शिफ्ट करना है, तो इसको 2π ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 6π एंड माइनस 2π एंड दैट इज 3/2। प्लस है, प्लस माइनस 2 ऐड कीजिए, इसमें माइनस 2 ये ओरिजिनल सिग्नल है, माइनस 2 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 2 ऐड करेंगे माइनस 6 2π माइनस 6π। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कीजिए, मैक्सिमम लिमिट कितना जाएगा, माइनस 6π इधर जा रहा है और इधर 6π, तो माइनस 6π से 6π, माइनस 6π से 6π, 2π हम लोग का इंटरवल है 2π 2π, माइनस 2π इधर 2π, क्योंकि बीच में 2π पे चेंज हो रहा है ना, स्टेप का चेंज है 2π पे, जो जो स्टेप का चेंज है लिख लीजिए, माइनस 6 पे है माइनस 6 मैंने लिखा, 2 पे है 2 लिखा, ये प्लस 2, ओके। सिमिलरली यहाँ माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 लिखा, ये 6 है ये प्लस 6 लिखा, यहाँ पे माइनस 6 है माइनस 6 लिखा, 2 है 2 लिखा यहाँ पे, ओके। अब सबको ऐड कर दीजिए, माइनस 6 से माइनस 2 पे, अगर माइनस 6 से माइनस 2 को ऐड करेंगे के बीच में, माइनस 6 से माइनस 2 के बीच में हमारा एक ही ग्राफ है 3/2, ओके। सो ये हमारा 3/2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए माइनस 2π से जाए तो माइनस 2π से ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे माइनस 2π लेते सपोज, माइनस 2π से वो भी जा रहा है, माइनस 2π से ये भी जा रहा है, तो 3/2 और 3/2 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3। नाउ सिमिलरली 2π से 6π, 2π से 6π में क्या है, 2π से 6π सिर्फ यही एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो जीरो है, तो 3/2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3/2। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ये हमारा x ऑफ ओमेगा आ गया, एग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, वन डोमेन में एरिया, अनदर डोमेन में क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों का 3। अब यही पे क्वेश्चन पूछ दिया रहता है, इसका एनर्जी फाइंड करो, ठीक है। अब देखिए एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ आ गया, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं 1/2π इंटीग्रेशन माइनस 6π टू 6π एक्स ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी ओमेगा, ओके। नाउ अब देखिए 1/2π माइनस 6π से कहाँ तक जाएंगे, माइनस 6π से माइनस 2π, माइनस 6π से माइनस 2π प्लस इंटीग्रेशन 2π माइनस 6π से माइनस 2π गए, फिर माइनस 2π से 2π, ओके, माइनस 2π से 2π प्लस इंटीग्रेशन 2π से 6π, 2π से 6π, और सारे के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी या तो एनर्जी पूछे या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर कॉस थीटा आ गया है तो हमको शिफ्ट करना है, एंड इंटीग्रेशन आपको दिख गया है, वो मैथ का क्वेश्चन हो, ईएमटी का क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन हो, सब जगह एक ही रूल लगाना है, दैट इज वन डोमेन एरिया अनदर डोमेन में टाइम इज इक्वल टू, या फिर ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलेंगे, ओके। नाउ ये भी हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। नाउ सिमिलरली देखिए इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/t² + 1, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी टी डोमेन में आ गया ना, तो उसको हम लोग को इन्वर्स निकालने के लिए टी इक्वल टू ओमेगा पुट कीजिए, तो पुट टी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा पुट करेंगे तो 2/ω² + 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ देखा सा लग रहा है, कैसे, देखिए हम लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत चीज़ याद रखने का है, याद रखिएगा तभी आपको क्विक क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आप टाइम लगाते रह जाएंगे। तरीका तो बहुत सारा है, बहुत डिफरेंट तरीका से जा सकते हैं, लेकिन टाइम हम लोगों को बचाना है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, वो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जैसे यू ऑफ टी कन्वॉल्व विथ यू ऑफ टी इक्वल टू टी यू ऑफ टी, एग्री, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यू ऑफ एन कन्वॉल्व विथ यू ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस वन यू ऑफ एन, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, एन प्लस वन क्यों आ जाता है, यहाँ पे देखिए टी जो इंक्लूड होता है ना, यहाँ पे सारा टी सैंपल हो जाता है, यहाँ पे यू ऑफ टी लिख रहे हैं, यू ऑफ टी लिख रहे हैं, तो हमारा टी इन एक्सक्लूड है, यहाँ पे टी नहीं है, ओके, क्योंकि यू ऑफ जीरो जो होता है, यू ऑफ जीरो इक्वल टू 1/2 हो जाता है, ठीक है, तो टी से ज़्यादा है। नाउ यहाँ पे हम लोगों को एन एक एक्स्ट्रा सैंपल आ जाता है, जीरो पे एक सैंपल आ जाता है, वन पे तो है, तो वन टू एन होगा ही, एक एक्स्ट्रा सैंपल जीरो पे आ जाता है, इसलिए हम लोग एन प्लस वन लिखते हैं, ओके। सो ये सब जब जब आए ना, तो ये चीज़ों को रिविजन करते रहिए, ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर रहेगा। बी पॉइंट, जब भी हम लोग e टू दी पावर माइनस a ऑफ t u ऑफ t कन्वॉल्व विथ u ऑफ t
ये हमारा आएगा तो 1/a 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ओके ये चीज याद रखना है। सी अगर x ऑफ टी माइनस अल्फा कन्वॉल्व विद y ऑफ टी माइनस बीटा, तो ये हमारा कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो आएगा, लेट सपोज इसको h लिखते हैं, ओके h ऑफ टी माइनस बीटा, तो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो आएगा ये हमारा y ऑफ जितना शिफ्टिंग हुआ है वो सारा शिफ्ट कर दीजिए। t ये कितना से शिफ्ट हुआ, माइनस अल्फा लिख दीजिए। ये कितना से शिफ्ट हुआ, माइनस बीटा लिख दीजिए। ओके ये चीज़ याद रखना चाहिए। c d पॉइंट में आता है e टू द पावर माइनस a ऑफ t, एक मिनट, e टू द पावर माइनस a मॉडुलस ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका हम लोगों को याद रखना है 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया जैसे e में मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर माइनस a t u ऑफ t कन्वॉल्व विथ, देखिए मैं कॉन्वोल्यूशन यूज कर रहा हूँ, e टू द पावर a ऑफ t u ऑफ माइनस t, तो इसका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, या एक बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तभी आप बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब आपका छोटा का क्लियर नहीं होगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसको याद रखेंगे हम लोग 1/2a ई टू द पावर माइनस मोड टी इन टू ए। ओके सो अगर आप सिग्नल पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको एकदम से याद रटा होना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिख दिया। नाउ अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दिख रहा है ना। एक हम लोगों का डुअलिटी प्रॉपर्टी होता है, डुअलिटी प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे, हमेशा मैं आपको क्लियर से बता रहा हूँ। डुअलिटी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, जैसे डेल्टा टी इम्पल्स रिस्पॉन्स, डेल्टा टी का ऑलवेज कोई भी ट्रांसफॉर्म लिख लीजिए, कोई भी ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, कोई भी, वो इंडिया में वर्ल्ड में जितना ट्रांसफॉर्म है वो सारा अगर डेल्टा टी का निकालिएगा तो 1 होगा, राइट। ओके नाउ अब ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या करता है, 1 का जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ओमेगा के टर्म में वो आ जाएगा 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ऑफ टी है तो टी की जगह ओमेगा, माइनस ऑफ ओमेगा, ये प्रॉपर्टी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जब भी हम लोग टी से ओमेगा जाएंगे, यहाँ भी हमारा टी है, राइट, टी से हम लोगों को ओमेगा में जाना है तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी तो यूज करना ही होगा। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे डुअलिटी प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का आ गया, हम लोगों को पता है ओमेगा स्क्वायर किसका होता है 2/ω² + 1, इसका मतलब ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है e टू द पावर माइनस मोड ऑफ टी इंटू ए मीन्स 1, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म वो हो गया। नाउ अब हमको पता है e टू द पावर माइनस मोड ऑफ टी इंटू 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा होता है 2/ω² + 1, ये पता है, ठीक है ना, ये पता है, ये लिख दिया, अब इसको भूल जाइए, इसका मतलब नहीं हम लोग का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी हमको इसका निकलेगा। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 2y ये यहाँ से गया, एरो याद रखिए, कुछ कुछ चीज़ ना हम लोगों को फिगर से बहुत ज़्यादा याद रहती है, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था प्रिसीजन एंड ऑल। ओके सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डुअलिटी प्रॉपर्टी मतलब ये फिगर, क्रॉस फिगर, ये याद रहेगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा क्या होता है। इसका ये हुआ तो ये ऐसे आया, टी की जगह हम लोग ओमेगा की जगह टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2π × इसमें ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग इसको x ऑफ टी बोलते हैं, तो इसको हम लोग का हो जाएगा x ऑफ माइनस ओमेगा, ये पुट करते हैं, राइट। तो x ऑफ टी ये है तो टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ ओमेगा ये पुट करेंगे, दिस बिकम्स 2π × माइनस ओमेगा पुट कीजिए तो e टू द पावर, अगर माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो मॉडुलस के अंदर है तो मॉडुलस के अंदर ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके सो नाउ मोड ऑफ ओमेगा, ये हमारा आंसर हो गया, एग्री। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी का हम लोग क्या यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी से बन जाएंगे। नाउ अब जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको अभी खुद से मत बनाइए, खुद से हमेशा अभी मत मेरे साथ मत बनाइए, मैं बना के रास्ता बता दूंगा फिर उसको अपने से ट्राई कीजिएगा और दिन में 2-3 बार कर ही लीजिएगा डेली, तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये हो गया, राइट। नाउ प्रॉब्लम सिक्स में हम लोगों का ये दे रखा है, दो ग्राफ दे रखा है, एक ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट ए, ये हमारा ओमेगा डोमेन है, राइट,
अगेन दूसरा है हमारा, दिस इज एंगल का ग्राफ दे रखा है, ओके पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, राइट। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, हम लोगों को पता है क्या, एक्स ऑफ जे ओमेगा इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी एक्स ऑफ टी डी टी। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ओके फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन बाई टू पाई से मल्टीप्लाई होगा। क्यों वन बाई टू पाई से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डी ओमेगा आ रहा है, ओके। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, ये इधर जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे याद रखिए, माइनस है तो इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा e टू दी पावर j, क्योंकि वन बाई ई आएगा, वन बाई ई पॉजिटिव होता है, g ओमेगा t तो वैसा ही रहेगा, इंटू एक्स ऑफ t निकालना है, यहाँ हम लोग को x ऑफ t निकालना है, तो x ऑफ ओमेगा इधर आएगा, तो x ऑफ j ओमेगा d ओमेगा, एग्री। ये हमारा क्या था, x ऑफ t, ओके x ऑफ t dt, तो हमारा फंक्शन जो आएगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग डी ओमेगा से करेंगे, क्योंकि डी ओमेगा है इसलिए हम लोग टू पाई से मल्टीप्लाई किया है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं डी एफ लिखता, डी एफ ओमेगा क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इजकल टू टू पाई एफ लिख सकता हूँ ना, टू पाई एफ, तो टू पाई कॉन्स्टेंट है, डी के अंदर है, तो टू पाई बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोगों को टू पाई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फिर सिर्फ ओमेगा, क्योंकि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी जाते हैं, ठीक है। हम लोग का जो भी कंसेप्ट आता है टाइम टू फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी, नॉट ओमेगा। ओमेगा तो हम लोग अपने सुविधा के लिए कर लेते हैं, इसलिए जब भी ओमेगा हटाते हैं तो टू पाई से ये मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो हम लोग का हम लोग ओमेगा पे ही सोल्व करते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर टू पाई एफ यूज कर लूँगा। नाउ डी ओमेगा है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ए ई टू द पावर आई थीटा होता है, लिख सकते हैं ना ए ई टू द पावर आई थीटा, कोई भी अगर इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी कवर हो जाता है और यहाँ पे एंगल भी आ जाता है, तो यही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड ए है, एग्री, लेकिन इसका एंगल जब हमारा ओमेगा दो दो, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं मिटा दिया, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा, हमारा ओमेगा कहाँ से, एक बार माइनस ओमेगा नॉट से जीरो है, तो लिख लीजिए ओमेगा कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस ओमेगा नॉट टू जीरो, ओके। सिमिलरली फिर ओमेगा हमारा वेरी कर रहा है ओमेगा नॉट जीरो टू ओमेगा, जीरो टू ओमेगा, ओके ये मैंने लिख लिया। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए है, माइनस ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट ए मैग्नीट्यूड है, इसका एंगल भी लिखना है, एंगल किस में लिखेंगे, ई टू द पावर आई थीटा, ओके। तो ई टू द पावर कितना है, पाई बाई टू है, आई पाई बाई टू लिख दिया मैं। नाउ अब हमारा सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दूसरे जीरो टू, यहाँ से यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा ए है, ओके। सो ए ई टू द पावर एंगल कितना है, माइनस पाई बाई टू, माइनस आई पाई बाई टू, ठीक है। अब हम लोग को मैग्नीट्यूड हो गया, अब हम लोग को इंटीग्रेशन लिखना है, अब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग कोई भी ग्राफ है ना, कभी भी ग्राफ पे मत जाइए, ग्राफ से मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक मिनट, इसको मैं मिटा दिया, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो एफ ऑफ ओमेगा हम लोग को किस में, किस डोमेन में निकालना है, एक्स ऑफ टी डोमेन में निकालना है, एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी इजकल टू वन बाई टू पाई, बाहर कर दिया मैं। नाउ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करता हूँ, एक माइनस ओमेगा नॉट से जीरो, दो बार ब्रेक हुआ है तो माइनस ओमेगा नॉट से जीरो, एग्री। नाउ यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, ए ई टू द पावर जे पाई बाई टू, ओके। नाउ इनटू ई टू द पावर जो फंक्शन होता है जे ओमेगा टी डी ओमेगा, नाउ फिर प्लस, फिर हमारा जीरो टू ओमेगा नॉट है, ओके जीरो टू ओमेगा नॉट है, तो जीरो टू ओमेगा नॉट ए ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा डी ओमेगा, एग्री। नाउ अब इसको सोल्व कीजिए, बस सोल्व, देखिए कोई भी चीज़ में ना कंसेप्ट 20% ही होता है, बाकी सब कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, तो यहाँ भी कंसेप्ट यहाँ पे क्या था, कुछ कंसेप्ट नहीं था, सब जगह तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ही कर रहे हैं। सो हम लोगों का मैथ बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप लोगों को अच्छा कहीं भी करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई टू डी पावर पाई बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए जे,
और इसको लिख सकता हूँ माइनस ए जे, लिख सकता हूँ ना। सो यही मैं यहाँ पे यूज करूँगा ए जे, और इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई ओमेगा करे सकते में जे टी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करके मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो एक बार जीरो पुट कीजिएगा तो वन माइनस ई टू दी पावर ओमेगा नॉट पुट कीजिए जे माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ओके, क्योंकि ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके प्लस अब इसका कीजिए, इसका करेंगे तो देखिए ई टू दी पावर माइनस जे पाई पाई टू को माइनस ए जे लिख दिया हमें, माइनस ए जे एग्री। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, जे टी आ जाएगा, ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जे टी आ गया, एग्री। नाउ अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ई टू दी पावर ओमेगा नॉट जे टी माइनस वन, ये आ गया, एग्री। अब इसको सोल्व कीजिए, ये जे से जे कैंसिल, ये जे से ये जे कैंसिल। नाउ हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए बाई ए बाई ए बाई टी, ए बाई टू पाई टी, मैंने कॉमन ले लिया, टू पाई तो बाहर से था, ए बाई टी कॉमन ले लिया, ए बाई टी कॉमन ले लिया, और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, प्लस है यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस, एंड ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन, ये आ रहा है। ओके नाउ अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू पाई टी इंटू, ए बाई टू पाई टी इंटू, ये हो जाएगा टू माइनस कॉमन ले लीजिए, अगर माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ओके सो ये देखिए ये हमारा किस में फॉर्म हो रहा है, ये हमारा दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव किस में होता है, कॉस में, कॉस टर्म इवन इवन फंक्शन है। सो ये हमारा, इसको मैं अगर टू से डिवाइड कर दिया इंटू टू से, यहीं अंदर में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर गया तो इसको कॉस लिख सकता हूँ ना। ओके सो अगर मैं इसको कॉस लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ए बाई टू पाई टी इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, टू कॉमन ले लिया तो वन माइनस, वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, टू टू टू, टू माइनस ले लिया, ठीक है ये आ गया। ठीक है अब देखिए टू टू कैंसिल, नाउ ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बाई पाई टी, ए बाई पाई टी इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। तो देखिए ऑलरेडी हम लोगों का क्या था, इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना था, बाकी तो फॉर्मूला बस आपको यूज हुआ इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके सो ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं जब एंगल दे देता है, राइट क्योंकि देखिए जब एंगल नहीं दिया रहेगा, जब एंगल नहीं दिया रहेगा, लेट अस सपोज ये हमारा क्या था, ए था माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस में लिखना है, टाइम डोमेन में लिखना है। तो मैं क्या बोला था, ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ओके ये किस में है, ओमेगा है, हमको टाइम डोमेन में वो लिखना है, तो साइन ए टी, साई ऑफ, लेट अस सपोज इसका क्या हो जाएगा, साइन ए टी बाई पाई टी हो जाएगा। ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे बोलिए, ए के जगह हम लोग रखेंगे दिस वन, ए के जगह हम लोगों का क्या है, ओमेगा नॉट, सो ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट टी बाई पाई टी, एंड मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो ओमेगा डोमेन से हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन इसके साथ हमारा क्या है, एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है, पाई बाई टू एंड पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये हम लोगों का वैलिड नहीं रहेगा। ओके सो हम लोग का जब भी एंगल या कुछ मेंशन कर दिया ओरिजिनल टर्म में तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का हम लोगों का फॉर्मूला पता है, वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है ना, तो ये पता है, तो ये हम लोगों ने यूज किया। नाउ अब देखिए, अब जेड ट्रांसफॉर्म, देखिए ये मिसलेनियस टॉपिक मैं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा और यही सब आपको मार्क्स लूज करता है। जेड डी एक्स जेड बाई डी जेड इज इक्वल टू एन एक्स ऑफ एन, ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके नाउ यहाँ पे लॉग है, लॉग को कैसे हटाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हटेगा, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए, वाई जेड
डी वाई जेड बाई डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग हट गया, लॉग हटेगा इसका मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस वन प्लस ए जेड इनवर्स इंटू माइनस वन इंटू ए इंटू जेड माइनस टू, ये आएगा। ओके आप लोग कीजिए, यही आएगा। नाउ अब हम लोगों को पता है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो माइनस जेड से मल्टीप्लाई किए, इधर भी माइनस जेड से मल्टीप्लाई किए, सो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं एन एक्स एन, राइट। तो इसको लिख दिए एन वाई एन इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए, ये हमारा माइनस वन और माइनस जेड से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए जेड इनवर्स बाई वन प्लस ए जेड इनवर्स। ओके सो हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है वो हम लोग याद रखेंगे, क्या ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का प्रॉपर्टी वन बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स होता है, एग्री। नाउ सिमिलरली माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का क्या हो जाएगा, वन बाई वन प्लस ए जेड इनवर्स, माइनस की जगह माइनस रख, माइनस ए, ए रिप्लेस विथ माइनस ए, तो यहाँ पे ए रिप्लेस विथ माइनस ए करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके अब यही चीज हमको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। ओके सो इसको तो मैं पहले लिख लूँ, ओके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, हाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। ओके नाउ अब बचा क्या है हमारा, ए जेड इनवर्स इंटू ए जेड इनवर्स। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए जेड इनवर्स कब होता है, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि सब जगह यूज होता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक्स एन माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं जेड टू द पावर माइनस एक्स एक्स ऑफ जेड। ओके एग्री, अगर एक डोमेन में जेड माइनस ए आ रहा है हाँ, तो उधर में दूसरे डोमेन में एन माइनस वन हो जाता है जो फंक्शन है। तो इसको मैं मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ, ये टोटल जो है इसको मैं मान रहा हूँ एक्स ऑफ एन। ओके एक्स ऑफ एन मान रहा हूँ क्योंकि एन के टर्म में है, तो एक्स ऑफ एन माइनस वन लिख दूंगा वो बराबर एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। ओके सो अगर मैं मुझे इसको एन जेड टर्म को हटाना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन माइनस वन ये लिखेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं ऐसा लिख दिया तो जेड टू द पावर माइनस, इसको अलग से फिर जेड ट्रांसफॉर्म में लाएंगे तो एक तो जेड एक्स्ट्रा मिल गया, ऊपर जाएंगे तो माइनस वन के कारण जेड मिल गया और ये हमारा एक्स एन तो है ही, तो एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई हो गया। सो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा देखिए, माइनस ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। ओके नो हम लोग एन से शिफ्ट कर देंगे, ये हमारा एक्स एन है तो एन माइनस वन हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एन है माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ए एन माइनस वन, ओके यू ऑफ एन माइनस वन, ओके इंटू ए, ओके ये बराबर डिवाइड बाई एन, ये एन इधर का एन हम लोग उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा वाई ऑफ एन आ गया। क्लियर, तो क्या किया हमने, बस हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है जेड ट्रांसफॉर्म एंड ऑल। सो मैं जो जो फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज़ को और से भी ध्यान से भी रखिए। ओके नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज या फिर मैं बता दिया ना जहाँ जहाँ मैं बोला हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे जेड एक्स ऑफ इवन का जेड ट्रांसफॉर्म पूछा गया। ओके एक्स ऑफ इवन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ इवन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ इवन, इवन निकालना है मतलब एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन बाई टू लिख सकता हूँ। एक्स ऑफ इवन, एक्स ऑफ ऑड रहता तो क्या लिखता, यहाँ पे एक्स ऑफ एन माइनस यहाँ पे आ जाता, एग्री। क्यों, क्योंकि एक्स ऑफ इवन प्लस एक्स ऑफ ऑड बराबर फंक्शन होता है, एक्स होता है, इवन प्लस ऑड मिलकर फंक्शन बनता है। नाउ अब इसका हमको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके सो अब इसको एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ एन इवन को अगर एक्स ऑफ इवन लिख दिया सो एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। ओके प्लस एक्स ऑफ माइनस एन का हमारा क्या होगा, जेड इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड माइनस वन, ओके डिवाइड बाई टू। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए, अभी मैं बताया एक्स का एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है। ओके और इसका आर ओ सी मान लीजिए मोर जेड ग्रेटर देन ए है, तो जब भी इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्स ऑफ माइनस एन करेंगे सो तो एक्स ऑफ जेड माइनस वन हो जाएगा, यहाँ का जो माइनस होता है इसके पावर में जाता है। ओके एंड मोड जेड लेस देन वन बाई ए,
ROC चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाएगा। ओके सो ये हम लोगों को प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज याद रखना है। नाउ तो ये हमारा एक्स ऑफ इवन कैसे सॉल्व होगा, एक्स ऑफ जेड हम लोगों को पता है, एक्स ऑफ जेड बाई टू, एक्स ऑफ जेड बाई टू मतलब एक्स जेड बाई जेड माइनस 0.4 इंटू 1/2 प्लस जेड की जगह जेड माइनस 1 पुट कर दीजिए, जेड माइनस 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 माइनस 0.4 ओके इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा आर ओ सी किधर लाई कर रहा था, इसका जो इनिशियल एक्स जेड का, एक्स जेड का जो आर ओ सी है ये हमारा क्या है, जेड बाई जेड माइनस 0.4 ओके। अगर कुछ नहीं दिया होता और आर ओ सी हमारा राइट हैंड साइड में लाइक किया, यही हम लोग एज्यूम्पशन करते हैं ना, तो इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा, मोड जेड ग्रेटर देन 0.4 ओके। सो सिमिलरली ये हम लोग का एज्यूम्पशन रहता है, कुछ भी है, जैसे हम लोग का क्या है, ये देखिए a टू दी पावर n u ऑफ n इसका 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है एंड जेड मोड जेड ग्रेटर देन n, यही होता है, हम लोग यही पढ़े हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ उस पर देखिए, तो ये सब मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पे हमारा मोड, अब आर ओ सी निकालना है तो यहाँ पे मोड जेड ग्रेटर देन होगा 0.4 ओके एंड इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं जब दो आता है, सो मोड जेड लेस देन 1/, अभी मैं बताया 1/ ए हो जाता है, सो 1/0.4 जब भी रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो। नाउ अब देखिए आर ओ सी क्या आ रहा है, मोर जेड ग्रेटर देन 0.4 एंड मोर जेड लेस देन 10/4 ओके, ये हो जाएगा 2.5। सो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे कर लेंगे, देखिए ये आ गया 2.5 ओके एंड एक 0.4 इधर होगा, एक बोल रहा है मोर जेड बड़ा होना चाहिए 0.4 से, तो 0.4 से बड़ा होना चाहिए एंड एक मोर जेड 2.5 से इधर होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया ये ओके। सो हमारा आर ओ सी मोर जेड कितना आ जाएगा, 0.4 लेस देन 2.5 क्लियर। सो ये भी हो गया। नाउ सबसे अच्छा क्वेश्चन ये हम लोगों का होता है ओके, ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए, इसको हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछते रहेगा, ये आपको कभी ना कभी डिफिकल्टी में डालेगा ही, इसलिए इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन, हम लोगों का तीन इंटरपोलेशन होता है, एक लीनियर इंटरपोलेशन, लेट अस सपोज 2, 4, 6, 8 ओके ये दिया हुआ है, अगर हमको लीनियर इंटरपोलेशन निकालना, इंटरपोलेशन लीनियर इंटरपोलेशन निकालना है, तो अगर लेट अस सपोज अगर इंटरपोलेशन एंड दो चीज़ होता है, एक कॉम्प्रेक्स होता है, कंप्रेस होता है, जो भी सिग्नल होता है अगर हम लोग उसको स्केलिंग करते हैं तो उसका जो रेंज होता है वो चेंज हो जाता है। लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, 6 है ठीक है, एक्स ऑफ 6 है, अगर एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन इजकल टू 2, 4, 6, 8 यहाँ पे हमारा लेट अस सपोज 0 है, 0 ही होता है जो मार्क लाइन है, अगर हम लोग एक्स ऑफ एन बाई 2 करेंगे, n बाई 2 करेंगे तो चेंज कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा n कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा n लाई कर रहा है 0, -1, -2, -2 to 0, -2 to 1 लाई कर रहा है। नाउ अब x n बाई 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो n बाई 2 पुट करेंगे तो ये हमारा कहाँ से, पहले तो -2 से लाई कर रहा था 1, अब n के जगह मैंने n बाई 2 पुट कर दिया ओके, तब n कहाँ से कहाँ लाई करेगा, देखिए n को सोल्व कीजिएगा तो -4 to 2 लाई कर रहा है। सो इसको बना दीजिए क्या होगा, लेट अस सपोज -4 आ गया ना, ये हमारा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 तो 0 पे जो सिग्नल था वो सिग्नल लिख लीजिए 6, 8 पे जो सिग्नल था ये, 1 पे जो सिग्नल था 8 ओके, 4 पे जो सिग्नल था 0 इसमें लिख लीजिए -1, -2 जो ये सिग्नल है उसको वहाँ पे लिख लीजिए। नाउ -2 पे हमारा क्या था, -2 पे 2, -1 पे 4 बाकी अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 0 पैडिंग करते हैं ओके, 0 पैडिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0, 0, 0 ओके, 0, 0 पैडिंग करते हैं। लेकिन लेट अस सपोज हम लोगों को कुछ सोल्व करना पड़ा, यहाँ पे हम लोगों को पैडिंग करना, लीनियर इंटरपोलेशन क्वेश्चन में बोल दिया है, लेट अस सपोज लीनियर इंटरपोलेशन बोला गया है, लीनियर इंटरपोलेशन बोला गया है, तो अगर 2, 4 इसके बीच में अगर हम लोगों को पैडिंग करना पड़े तो हम लोग क्या पैड करते हैं, लीनियर, लीनियर पैडिंग होता है, लीनियर मतलब ग्राफ लीनियर होना चाहिए, तो दोनों का एड डिवाइड बाई 2
लेटर सपोज 4 2 6, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, एग्री। 4 और 6 लेटर सपोज यहाँ पे कुछ पैडिंग करना पड़ा, अभी तो 0 इंटरपोलेशन पर रहे थे तो उसमें हम लोग 0 पैडिंग कर रहे थे जो भी खाली स्थान था, यहाँ पे हम लोगों को पैडिंग करना पड़ा तो 5 पुट करेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे कुछ हमको पैडिंग करना पड़ा और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाता है, कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मानेंगे, ओके। 0 मान के 6 + 0/3 पैडिंग करेंगे, दिस इज लीनियर इंटरपोलेशन, ओके। नाउ स्टेप इंटरपोलेशन होता है, एक स्टेप इंटरपोलेशन। स्टेप इंटरपोलेशन में क्या होता है, अगर हम लोगों को इसमें पैडिंग करना है तो पीछे वाला वैल्यू को डालेंगे, जैसे 2, तो इसका पीछे वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पैडिंग करना है तो 2 वैल्यू डाल दिए, 2 2 4। अब लेटर सपोज यहाँ पे पैडिंग करना है, तो यहाँ पे पैडिंग करना है तो क्या डालेंगे, 5 डाले, ये 4 डालेंगे, सो 4। यहाँ पे पैडिंग करना है तो क्या, 6 तो 6 है, फिर यहाँ पे 6 डालेंगे, फिर 8, फिर यहाँ पे पैडिंग करना है तो यहाँ पे 8, ओके। लीनियर हो गया, स्टेप हो गया, एंड जीरो इंटरपोलेशन। जीरो इंटरपोलेशन में अभी आप लोगों को बताया, जहाँ भी हम लोगों का वैकेंट स्पेस बचेगा अगर स्केलिंग करने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग 0 को पैडिंग करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे भी हम लोगों को वही पूछा गया है, तो जब भी हम लोगों का क्वेश्चन आता है ना डिले, जब भी फ्रैक्शनल डिले, यहाँ पे हम लोगों का क्या है, फ्रैक्शनल डिले, दिस इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिले, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। अगर नॉर्मल डिले रहता है, लेटर सपोज एक्स ऑफ एन माइनस टू डिले रहता, और यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 2 4 6 8, ओके। यहाँ पे हमारा 0 है, ओके। अब एन माइनस टू मतलब एन इज इक्वल टू 2, सिग्नल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 आ रहा है, तो ये सारे जगह में 2 बढ़ेगा, 2 ऐड होगा, तो सिग्नल आगे की ओर जाएगा, सिग्नल आगे आएगा तो 0 किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो देखिए यहाँ हमारा, यहाँ पे 0 को 2 है ना, तो 2 इधर कर दी, शिफ्ट कर दीजिए, 2 से शिफ्ट हुआ तो हमारा इसको डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे कर दिए, ये हमारा सिग्नल हो गया एन माइनस टू, ओके। अगर x ऑफ n ये पुट करते तो x माइनस टू ये हो गया। लेटर सपोज सिमिलरली हमको x माइनस थ्री निकालना पड़ता, डायरेक्ट मैं लिखाना बता रहा हूँ, x माइनस थ्री पुट कर निकालना पड़ता, तो कैसे निकालते, 3 पहले हमारा कहाँ पे था, ये सिग्नल यहाँ पे था, ओके। तो 3 से हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, ओके, 1 2 3, एक और चाहिए, तो 0 2 4 6 8 यहाँ पे, ओके। लेटर सपोज मैं आप लोगों को क्लियर भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करके बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ओके। नाउ एन का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 सारे में ऐड कीजिए, यहाँ 3 ऐड कीजिएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 1 पे चला जाएगा, मतलब 2 है यहाँ 1 है, ओके। यहाँ पे भी 3 ऐड कीजिए तो ये 3 ऐड करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे 4 है, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, 8 हो गया, ओके, ये आ गया। तो 1 0 किधर होगा, 1 किधर ही 0 होगा, इसका मतलब 0 पे 0, देखिए ये और ये सेम है ना, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखना बताया, और ये आप सब में ऐड कर करके, ये वाले पॉइंट में ऐड कर करके ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हमारा यहाँ पे मेन फोकस है कि फ्रैक्शनल डिले को कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग का नॉर्मल डिले था। नाउ अब हम लोग फ्रैक्शनल डिले एक्स ऑफ एन माइनस 0.5 को कैसे लिखेंगे, ओके। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ 2n, एक्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x ऑफ n माइनस 1/2 लिख सकता हूँ, ओके। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, 2n माइनस 1/2, यही है ना, ओके। सो मैं पहले क्या करूँगा, x ऑफ इंटरपोलेशन, दो चीज़ होता है, डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन, ठीक है। डेसिमेशन में सिग्नल ये होता है, छोटा होता है, और इंटरपोलेशन में सिग्नल बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम लोग पहले लेटर सपोज x ऑफ n बाई 2 करते हैं, ओके, तो हम लोगों का सिग्नल इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि देखिए सिग्नल का, लेटर सपोज एन हमारा, एन का रेंज है -1 to n to 5, ओके। सो अगर एन बाई टू कर रहे हैं, तो एन बाई टू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा -1 to n/2 to 5, ओके। सो हमारा रेंज कहाँ हो गया, अब रेंज हो गया -2 to n to 5, रेंज बढ़ गया ना, -2 to 10, -2 to 10 हो गया। अब पहले रेंज कितना था, ये हुआ, तो जब भी सिग्नल, तो ये हमारा क्या हुआ, रेंज बढ़ रहा है, तो इंटरपोलूशन हो रहा है,
ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं इन का रेंज हमारा क्या है, इन रेंज का वैल्यू लाई कर रहा है हमारा लेट अस सपोज -1 to n to 5 है। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग 2n का पुट कर रहे हैं, 2n पुट कर रहे हैं तो -1 से 2n से 5, तो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1/2 से n से 5/2, तो ये 0.5 से n से 2.5। तो हमारा सिग्नल क्या हुआ, पहले -1 से 5 लाई कर रहा था, अब 0.5 से 2.5 ही लाई कर रहा है, मतलब सिग्नल का छोटा हो गया, सिग्नल का लेंथ छोटा हो गया। तो हम लोग कभी भी ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले डिले कर, सबसे पहले हम लोग सिग्नल में क्या हो, लेट अस सपोज आपका x(2n-1) परफॉर्म करना हुआ, तो कभी भी हम लोग करेंगे तो x(n-1) पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग करते हैं, फिर x(n) को रिप्लेस कर देते हैं 2n-1 से। ओके ऐसा नहीं कि पहले शिफ्ट, क्यों, क्योंकि ये सारे हम लोगों को ये इरर्स आने लगते हैं, विड्स का एरर आ जाता है। ओके सो देखिए यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शनल डिले है, तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो पहले x(n/2) में चेंज करेंगे, फिर उसमें शिफ्टिंग करेंगे, फिर उसमें डेसीमेट करेंगे। सो देखिए अब हम लोग का क्या करना है, x(n/2) करना है, एग्री, x(n/2) कैसे करेंगे, n हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं n, ये 0, 1, -1, -2। ओके सो हमारा n यहाँ पे लाई कर रहा है, लेट अस सपोज n हमारा कहाँ से -2 to 1 लाई कर रहा है, तो n/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 to 1, वही है n की जगह n/2 निकाल रहे हैं, तो n/2 निकाल रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके सो n/2 कर रहा है, तो ये हमारा -4 से n से 2 लाई करेगा, -4 to 2, एग्री। सो यहाँ पे लिख लीजिए x(n/2) हमारा क्या हो जाएगा, -4, -3, -1, 0, 1, 2। ओके नाउ अब देखिए n/2, अब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 0, -2, -4। अब देखिए जो हमारा 8 पे पहले 1 था पहले में, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 पे शिफ्ट हो गया, तो 2 पे 8 लिख दीजिए। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये 0 पे है तो ये हमारा 0 पे आ जाएगा, ये हमारा 6 0 पे ऑलवेज है, तो 6 हमारा 0 पे आ गया, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे -1 पहले -1 पे 4 था, अब अगर n/2 किए तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये -3, -2, -1। अब देखिए यहाँ पे 8 होगा ना, ये ओके तो हम लोग क्या करना है, xn को हम लोग क्या करना है, xn/2 को रिप्लेस करना है x(n-1/2) और फिर इसको करना है 2n-1/2, ऐसे हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो 0 है, n हमारा कहाँ से -2, -1, 0, 1 ये है, अब n/2 करना है, n/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, n हमारा लाई कर रहा है -2 to 1, एग्री, -2 to 1। सो n/2 अगर हम लोग करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, n हमारा फिर से क्या, ये नया वाला फंक्शन है, ओके सो n/2 ये हमारा हो जाएगा 2 to -4, ओके -4 to 2, तो x(n/2) हम लोग लिख लेते हैं -4 to 2, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2 तक है 2 हो गया। अब देखिए सारे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n/2 सब, तभी तो -4 to -2 हुआ, तो ये देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 0, -2, -4। अब देखिए 8 हमारा कहाँ पहले 1 पे था, अब क्या यहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पे लाई कर रहा है, तो 2 पे 8 लिख लीजिए, ख़त्म। अब देखिए 6 पे 0, 0 तो पहले भी वही है, 6 पे 0 लाई कर रहा है, 6 पे 0, एग्री। नाउ अब 4 -1 पे लाई कर रहा था, अब -2 पे लाई कर रहा है, 4 -2 पे लिख दिया, 2 पहले -2 पे लाई कर रहा था, अब किस पे लाई कर रहा है, -4 पे।
अब देखिए हमारा टोटल कितना है, 1 2 3 4 है, टोटल 4 है, तो n बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, हमारा सिग्नल होना चाहिए 8, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ आगे में क्या होगा, फिल होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा। अब देखिए लीनियर इंटरपोलेशन बोल रहा है, लीनियर इंटरपोलेशन मैं अभी आप लोगों को बताया, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 + 2 6/2, 6 × 4 = 10, 10/2 5, 8 × 6 = 14/2 7। अब देखिए कितना टोटल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है, लेकिन n बाई 2 हमारा टोटल कितना था, 1 2 3 4 4 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो तो 8 हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 8 + 0, यहाँ कुछ नहीं है, 8 + 0 कुछ नहीं है, तो हम लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, 8 + 0/2 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 से ऐड करेंगे, 8 + 0/2 ये 4 हो गया, एग्री। नाउ अब देखिए टोटल सैंपल हमारा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जैसे जीरो पैडिंग था ना, जीरो पैडिंग, सिमिलरली यहाँ पे लीनियरली पैडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग 3 4 पे क्या हो जाएगा, 4 + 0/2, तो ये 2 हो जाएगा, एग्री। तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आगे जहाँ तक ऑप्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा वहाँ तक हम लोग देखेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पी मान लेते हैं, पी एक्स ऑफ पी, ओके एन बाई 2 को पी मान लिए, अब p माइनस 1 करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, n बाई 2 माइनस 1 शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग, सो x ऑफ p माइनस 1, अब मैं क्या बताया था डायरेक्ट, ये तो 0 है, n माइनस 1 का शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कि सिग्नल किधर जा रहा है, आगे की ओर, तो 0 एक तरफ पीछे की ओर आ जाएगा, मतलब 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 4, 5 पे 0 आ गया, एग्री। नाउ p का वैल्यू आप डाल दीजिए, p का वैल्यू हम लोग क्या था, 2n, सो x ऑफ 2n माइनस 1, सॉरी p का वैल्यू n बाई 2 था ना, x ऑफ, अब p माइनस 1 हो गया है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 तो होल में था ना, तो p p के जगह हम लोग लिखेंगे n बाई 2 माइनस 1, ठीक है, n रिप्लेस विथ n माइनस 1। नाउ ये हो गया, ये हमारा कितना आ गया, ये फंक्शन आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमेट करेंगे, डेसिमेट करेंगे, ये हमारा कितना से लाई कर रहा है देख लीजिए, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, अभी सिग्नल हम लोगों का कितना लाई कर रहा है, n जो है हमारा कितना से कितना लाई कर रहा है, -3 से 4 तक। अब हम लोग n बाई 2 कर रहे हैं, ओके मतलब 2n कर रहे हैं, n को रिप्लेस 2n, तो 2n हमारा कितना हो जाएगा, -3/2 से n से 2, n बाई 2 4, -3/2 कितना हो गया, -1.5, -1.5 में हम लोग इंटीजर लेंगे, तो यहाँ पे -1 से n से 2, अब इसके बीच में हमारा कितना इंटीजर है, एक इंटीजर हो जाएगा -1, -2 तो नहीं होगा, -1, 0, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये हमारा इंटीजर है। अब देख लीजिए जो जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा, -1 पे कौन सा है, 4 आ जाएगा -1 पे। नाउ 0 पे कौन सा है, 5 हो गया 0 पे, 1 पे कौन सा है, 6 यहाँ पे आ जाएगा, नाउ 6 1 पे आ गया 6, एंड 2 पे कौन सा है, 7 तो 4 5 6 7, ठीक है 4 5 6 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा फ्रैक्शनल डिले था, नॉर्मल डिले आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिले कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। नाउ अब आते हैं आइजन फंक्शन, आइजन फंक्शन हमेशा हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, आइजन फंक्शन क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा क्लियर बता देता हूँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आइजन फंक्शन से नहीं निकलेगा। तो इधर से जो हम लोग फंक्शन दे रहे हैं e^j⍵ दिए, लेट सपोज, तो आउटपुट में हमारा क्या होगा, अगर h ऑफ j ओमेगा नोट कर रहे हैं तो आउटपुट में h ओमेगा नॉट e^j⍵0, ये आंसर आएगा, ये होता है, इसको मतलब हुआ आइजन फंक्शन, सेम फंक्शन रिटेन हो रहा है, ये फंक्शन दिया, ये फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं आइजन वैल्यू। ओके सिमिलरली अगर e^s0t या फिर 3 दिए, 3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, e^0t लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट रिटेन करेंगे तो 3 ही होगा, 3^0t इंटू h^0, क्योंकि इसे कंपेयर कीजिए, एस नॉट के जगह हम लोग 0 पुट किए हैं तो आ जाएगा। तो इनपुट जो दे रहे हैं वही आउटपुट में आ रहा है, ये सारे आइजन फंक्शन होते हैं। ओके लेट अस सपोज हम लोग जेड दिए, कुछ भी जेड इनपुट में दे रहे हैं, तो जेड इनवर्स ही दे रहे हैं, लेट अस सपोज हम लोग यहाँ पे जेड इनवर्स दिए, जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आएगा,
जेड इनवर्स तो आएगा एच ऑफ जेड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइजन वैल्यू। ओके, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म जब भी आता है तो हमारा आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन को फॉलो करता है। जैसे ए का हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये सब कंसेप्ट हम लोग को थोड़ा थोड़ा यूज करने आना चाहिए। देखिए, कॉजल एलटीआई सिस्टम विथ इंपल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, आउटपुट इज इक्वल टू इतना। यहाँ पे हम लोगों का कोई सिस्टम है, ओके, ये हमारा आउटपुट दे रहा है 1/6 ई टू द पावर 2t, मतलब इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि इनपुट ई टू द पावर 2t रहा होगा, क्योंकि आइजन वैल्यू ही रिटेन कर रहा है, इनटू मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा, एग्री। वो सिस्टम से पास हो रहा है फिर ये दे रहा है। नाउ इनपुट भी क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों का ई टू द पावर टी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या हुआ, आइजन वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आइजन वैल्यू, जो फंक्शन दिया ये रिटेन हुआ। मतलब हमारा जो भी फंक्शन, इससे हम लोगों को क्या क्लियर हो रहा है, अगर हम लोगों का एच ऑफ टू निकालना पड़ेगा, एच ऑफ एस है, लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोगों का एस डोमेन में एच ऑफ एस है, तो देखिए ई टू द पावर एस नॉट टी लिख सकते हैं, एस नॉट टू है, तो हमारा जो वैल्यू ये है ना एच ऑफ टू ई टू द पावर टू टी का वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एच ऑफ टू इज इक्वल टू 1/6 दे रखा है, क्योंकि इनपुट में भी हम लोगों को 1 पता है, अब 1 से यही मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो एच ऑफ 6 आया है ना। नाउ अब देखिए यहां से एच ऑफ एस निकालेंगे हम लोग, एच ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एच ऑफ एस इंटू एस प्लस टू इक्वल टू यू ऑफ टी, मतलब 1, ये हो जाएगा 1/s एच ऑफ एस यू ऑफ एस 1/s प्लस 4 प्लस के बाई एस, ओके। नाउ एस प्लस टू एच ऑफ एस हमारा क्या हो जा रहा है, 1/s प्लस 2 इंटू 1/s प्लस 4 प्लस के वाई एस, ये आया एच ऑफ एस, एग्री। अब एच ऑफ 2 निकालना है हमको, इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे जो के अननोन है उसका वैल्यू पूछा गया, तो एच ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 हमको ये पता है, अभी इस इक्वेशन का यूज करेंगे। एच ऑफ 2 पुट कीजिए 1/4 इंटू 1/4 1/6 प्लस के बाई 2 इक्वल टू 1/6 इसको यूज किया मैंने, सो देखिए 4/6 इक्वल टू 4/6 माइनस 1/6 इसको उधर मैं कर दिया 4/6 माइनस 1/6 इक्वल टू के बाई 2 इक्वल टू के बाई 2 सो के इक्वल टू 1, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व होता है। तो हम लोगों को बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ा, क्या चीज़ों, जैसे कि हम लोग के का वैल्यू निकाले कैसे, आइजन फंक्शन से निकाले। सो आइजन फंक्शन ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग के पास, आप लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं जिसमें आप लोग फ्लो मेजर कर सकते हैं, इसका फ्लो क्या होगा यहाँ का मेजर कर, जो कि टोटली डिफरेंट है फ्रॉम EMT, EDC, लाइक दैट, ये सबसे सारा चीज़ से डिफरेंट है। ये पढ़ के आप लोग मार्क्स ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो EMT और EDC और या फिर जो भी करें उस सब में तो एक ही चीज़, एक ही थ्योरम्स है, ओके। तो वो सब आप इजी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसका क्या कीजिए कि फिर से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन को बार बार बनाइए, तब तक बनाइए जब तक कि आप देखते उसको सोल्व ना कर दे। तो आपका टाइम लिमिट एक क्वेश्चन में 1 मिनट के अंदर आप सोल्व नहीं कर दे रहे तब तक आप प्रिपेयर नहीं है इस बार 2021 के गेट के लिए, ओके। सो अगर सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन को एक विद इन एक 1 मिनट के अंदर इतना फास्ट कैलकुलेशन और इतना फास्ट आपका माइंड चलने लगा तो सोचिए कि आप प्रिपरेशन में बैठ सकते हैं। एंड अभी कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट मत कीजिए, अभी आपको जितना मैक्सिमम पढ़ाई हो सके उतना पढ़िए, पढ़ने के बाद सारे सिलेबस सब कुछ को कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, देन लास्ट में टेस्ट शॉर्ट नोट्स दोनों का गेम खेलिए, फिर आपका सक्सेस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।